नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश हम लोगों ने बहुत तरीके का वशीकरण मंत्र सुना है देखा है बहुत सारे मंत्र मैंने आप लोगों को बताया है आज लीक से हटकर एक वशीकरण मंत्र देता हूं वीरभद्र महादेव के रौद्र अवतारों में एक अवतार है इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मैंने एक वीडियो में पहले बताया था ठीक है आज सीधे मैं आपको एक मंत्र विधान बताऊंगा जिससे किसी को आप वश में कर सकते हैं फिर से वशीकरण का मतलब शॉर्ट में समझा देता वशीकरण का मतलब हिप्नोसिस नहीं होता है कि आप किसी को अपने कंट्रोल में कर लो वशीकरण का मतलब होता है कि कोई आपके प्रभाव में रहे मतलब आपके बारे में अच्छा सोचे आपके बारे में अच्छा बोले ऐसा नहीं होता है कि उठ तो उठ और बैठ तो बैठ ठीक है वीरभद्र वशीकरण साधना में क्या करना है आपको आपको लेना है एक दीपक जो कि चार मुख वाला होना चाहिए उसको उसको आप घी से भर देंगे ठीक है चार अगरबत्ती आप उसके वाम की तरफ बाएं तरफ जलाएंगे नवेद रखेंगे ठीक है और उसके सामने अपना एक हवन कुंड रखेंगे हवन कुंड छोटा होना चाहिए बड़ा हवन कुंड में हवन नहीं होगा छोटा हवन कुंड मतलब जितना बड़ा आपका हथेली है डायगोनली वो हवन कुंड उतना ही बड़ा होना चाहिए हवन कुंड नहीं है तो इस सरकम में आप जो है लकड़ियों को सरियाएंगे ठीक है उसके बाद दीपक जलाएंगे और आवाहन करेंगे आवाहन क्या होगा ओम नमो भगवते रुद्राय रुम रुम सम यम हम हिम फट स्वाहा फिर से आवाहन मंत्र सुनो ओम नमो भगवते रुद्राय रूम रूम सम यम होम हिम फट स्वाहा इतना करने के बाद जो महादेव के लिए उपयोग में जो हवन सामग्री होती है उसका मिश्रण बनाएंगे जब आप मिश्रण बनाएंगे तब भी इस मंत्र को जापते रहना है ठीक है जो अभी आवाहन मंत्र दिया मिश्रण में क्या क्या रहेगा मिश्रण में रहेगा लौंग और गूगल इसके अलावा किसी भी तीसरी चीज़ को मिश्रण में नहीं डालना है थोड़ा बहुत घी आप डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि आपका लौंग जलने लायक नहीं है या फिर ह्यूमिड है तो आप थोड़ा सा उसमें घी डाल के उसको सात बार मंत्र पढ़ के उसको मिलाएंगे ठीक है और उसके बाद जो मंत्र आपको दे रहा हूँ इसका 108 बार आप जाप करेंगे एक सौ आठ बार जाप करने में एक चीज ध्यान रखना है कि मैं जहां पर अभी अमुक बोल रहा हूं वहां पर आप लोग जिस व्यक्ति का आपको वशीकरण करना है जिसके जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे उसका नाम लेना है मंत्र सुनिए, ओम कामा तुरा कामेखला विद्योविनी नीलोचना अमुकम वंशम कुरु हाम नमः फिर से सुनिए ओम कामा कामेखला विद्योविनी नील लोचना अमुकम मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम वंशम कुरुकुरु हाम नमः एक सौ आठ बार इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको जो दीपक आपने रखा है उसकी आरती करनी होगी ठीक है आरती फिर से आवाहन मंत्र से ही होगा मूल मंत्र एक बार फिर आप लोगों को बोल दे रहा हूँ आप लोग चेक कर लीजिए ओम कामातुरा काम मेखला विद्योविनी नील लोचना अमुकम वंशम कुरु हाम नमः ठीक है बहुत सिद्ध प्रयोग है और बहुत ही सिंपल प्रयोग है तो इस साधना को आप लोग करिए और मान के चलिए घर में आपका अनबन है जैसे पति पत्नी के बीच में अनबन है या फिर घर में भाइयों के बीच में अनबन है या ऑफिस में आपका किसी से अनबन है पड़ोसी से अनबन है और उस अनबन को आप सुलझाना चाहते हैं मतलब किसी अतिरिक्त लाभ के लिए नहीं लेकिन संबंध सुधारने के लिए तो फिर ये काम करेगा ये मंत्र को अगर आप सोचिएगा कि किसी महिला या किसी स्त्री पर आप प्रयोग करिएगा तो ऐसा नहीं होता है तो आपको कभी भी ऐसा व्यक्ति जो आपको नहीं जानता हो बढ़िया से उस पर अगर आप वशीकरण करते हैं तो वो वशीकरण प्रभावी नहीं रहता है ठीक है तो जिस व्यक्ति को आप जान रहे हैं जिसकी तस्वीर आपके मानस पटल पर जब उतरे तो मंत्र पढ़ते के साथ वशीकरण में सामने वाले के मानस पटल पर आपकी तस्वीर उतरती है ठीक है ये समझो बात यही टेक्निकल होता है तो जब आप किसी पे वशीकरण करते हैं तो आपका जो माइंड से जो सिग्नल है वो वहाँ जाता है वो जो वाइब्रेशंस है और सामने वाले के दिमाग पर आपकी तस्वीर अंकित होती है तो जो आपको जानेगा ही नहीं उसके दिमाग पर कभी आपकी तस्वीर छपेगी नहीं इसको ध्यान में रखते हुए साधना को कीजिए बाकी भगवान वीरभद्र आप लोगों की रक्षा करें जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव ठीक है ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें सिर्फ स्टूडेंट जुड़ सकते हैं आप जिनको अपॉइंटमेंट लेना है डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अघोर तंत्र से डॉट एक्स वाई जेड या फिर कॉलमी फॉर ऐप डाउनलोड करिए ऐप स्टोर प्ले स्टोर से उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा उस पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवान वीरभद्र आप लोगों की सारे मनोरथ पूरी करें महादेव आपकी सारी मनोवरथ पूरी करें ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश